हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं विभिन्न विचारधाराओं के विषय में कि व्यक्तिवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, आर्यतावाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, नारीवाद क्या है। तो इन समस्त बिंदुओं पर संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि इन विचारधाराओं के प्रति जो है आपके मन में एक सामान्य सी समझ विकसित की जाए, इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा दिया जाए कि जब भी व्यक्तिवाद शब्द आए तो आपके दिमाग में ये रहे कि व्यक्तिवाद का मेन सार ये होता है, व्यक्तिवाद यह कहता है, इतना आप समझते रहें। दो लाइन चार लाइन में इसकी परिभाषा आप बता सकें, बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये इसी यही है ताकि जब भी अलग अलग वीडियोज में व्यक्तिवाद आपको पढ़ाया जाए, आदर्शवाद पढ़ाया जाए, उदारवाद पढ़ाया जाए, तो आपके मन में जब एक सामान्य सी समझ उसके विषय में रहेगी तो उसके सिद्धांतों को समझने में आपको आसानी होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि फ्रेंड्स आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी किए चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विभिन्न विचारधाराओं के बारे में और इसके अंतर्गत हम ये आठ प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन करने वाले हैं। इनके बारे में एक संक्षेप सा परिचय हम लोग जानने वाले हैं कि व्यक्तिवाद क्या होता है, उदारवाद क्या है, समाजवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद, आधारतावाद और नारीवाद ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी विचारधाराएँ हैं वो इस दृष्टिकोण से विकसित हुई हैं कि समाज में व्यक्ति और राज्य के बीच किस तरह का संबंध है, व्यक्ति और राज्य, यानी व्यक्ति जो है को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए कि राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए, व्यक्ति साध्य है कि राज्य साध्य है, जो साध्य होगा वो महत्वपूर्ण होगा। जो विचारधारा व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है वो व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता देने के पक्षधर है। वो कहते हैं कि व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य होगा तो राज्य क्या हो जाएगा, ये साधन हो जाएगा, यानी व्यक्ति के हितों की पूर्ति का राज्य केवल एक साधन है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। और अगर जो विचारधारा राज्य को साध्य मानेगी अब व्यक्ति को साधन मानेगी वो ये कहेगी राज्य महत्वपूर्ण है, अब व्यक्ति जो है राज्य के हितों की पूर्ति का माध्यम है, यानी साध्य जो है वो महत्वपूर्ण होता है, साधन महत्वपूर्ण नहीं होता है, साधन जो है वो साध्य के लिए होता है। तो सब लोग जो है व्यक्ति और राज्य के संबंधों को विचारधाराएं जो है जिस दृष्टिकोण से देखती हैं उसी आधार पर अपने सिद्धांत को विकसित करती हैं। तो अब इसी में देखना है कि कौन सी विचारधारा किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगती है और उसकी वो अपनी विचारधारा में अपने सिद्धांत में वो क्या किस चीज़ पर जोर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद फ्रेंड्स जो है वो आधुनिक युग की विचारधारा है और इसका उदय जो है 16वीं सदी में। यह विचारधारा वह विचारधारा है जो व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है, व्यक्ति और राज्य के संबंधों में व्यक्ति को जो है वो साध्य मानती है और राज्य को जो है वो साधन मानती है, यानी व्यक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है। इसका नाम ये व्यक्तिवादी विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को केंद्रित करके रची गई है और यह वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, यह व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, व्यापारिक हो, किस कोई भी क्षेत्र हो, ये इसका मानना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न तो किसी व्यक्ति के द्वारा, न राज्य के द्वारा, न समाज के द्वारा। ये हर प्रकार के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देने की हिमायती है। यह विचारधारा जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानती है, कहती है कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह हमारी रक्षा करती है और बुराई इसलिए है क्योंकि इसके कानून जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। लेकिन चूंकि समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य है, राज्य को जरूरी मानते हैं ये, इसलिए इसको आवश्यकता पर बल देते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य जरूरी है।
लेकिन राज्य को जरूरी होने के बावजूद ये बुराई है, इसलिए इसको कम से कम कार्य देना चाहते हैं, सीमित कार्य देना चाहते हैं कि राज्य जितना कम कार्य करेगा व्यक्ति उतना अधिक स्वतंत्रता महसूस होगी। तो कहने का मतलब ये कि व्यक्तिवादी वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करते हैं, राज्य को बुराई मानते हुए इसके सीमित कार्यों का सकारात्मक समर्थन करते हैं कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, राज्य जितना कम काम करेगा व्यक्ति उतना स्वतंत्र होगा। ये व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं। तो ये था फ्रेंड्स व्यक्तिवाद। अब आगे देखते हैं उदारवाद। अगला है उदारवाद। उदारवादी सिद्धांत भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। यह भी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानता है। उदारवाद का जो घर है वो इंग्लैंड है फ्रेंड्स, और उदारवाद के जो जनक हैं, जनक वो लॉक माने जाते हैं, लॉक, जॉन लॉक। उदारवाद के दो रूप दिखाई देते हैं। पहला है नकारात्मक उदारवाद, उदारवाद, और दूसरा है सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद। अब नकारात्मक उदारवाद को प्राचीन उदारवाद भी कहते हैं, इसको शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, इसको व्यक्तिवादी उदारवाद भी कहते हैं। ये वर्ड देखना, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों कहते हैं। और सकारात्मक उदारवाद को आधुनिक उदारवाद कहते हैं, इसको सामाजिक उदारवाद भी कहते हैं। तो नकारात्मक उदारवाद हम देखते हैं, नकारात्मक उदारवाद को मैंने कहा व्यक्तिवादी उदारवाद कहते हैं, इसलिए क्योंकि व्यक्तिवाद ही नकारात्मक उदारवाद है। उदारवादी परंपरा में व्यक्तिवाद को नकारात्मक उदारवाद के नाम से जानते हैं। शुरुआत में जो व्यक्तिवाद का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ और ये 19वीं शताब्दी तक मैंने कहा आपको ये विचारधारा बनी रही। आगे चल के इस विचारधारा का बहुत विरोध होने लगा, क्योंकि इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप समाज में बहुत बड़ी आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई। सारे अधिकतर पैसे जो है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हो गए, बाकी लोग गरीब होते चले गए। तो इस विचारधारा का समाजवादियों ने बहुत विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवाद ने अपने आप को बचाए रखने के लिए, या कह सकते हो व्यक्तिवाद ने अपने आप को बचाए रखने के लिए अपना चोला बदल दिया, और उसने जो है अपनी विचारधारा में अब तक जो नकारात्मक उदारवाद ये कहता था, यानी व्यक्तिवाद ये कहता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। जब उसने देखा कि समाजवाद से इसको कड़ी टक्कर मिल रही है, इसकी बड़ी आलोचना हो रही है और मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसने अपने आप को बदल दिया, नई पैकेजिंग में अपने आप को पेश किया। होता नहीं कि एक ब्रांड जो है थोड़ा कम चलने लगता है तो उसको पैकेजिंग बदल देते हैं, नया लुक दे देते हैं। तो इसने भी नया लुक दिया अपने आप को, अपनी विचारधारा में इसने क्या किया, लोक कल्याणकारी और समाजवादी विचारधारा को भी जोड़ दिया, और उसका एक नया स्वरूप आ गया जिसको हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं या इसको सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? नकारात्मक उदारवाद जो है वो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बर्दाश्त नहीं करता है, राज्य को सीमित कार्य दिए जाने का समर्थन करता है, राज्य को बुराई मानता है। लेकिन सकारात्मक उदारवाद जो है वो राज्य को बुराई न मान करके बल्कि राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है, और ये मानता है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को अगर जरूरत पड़े तो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो एक तरफ आप यहाँ नकारात्मक उदारवाद ने आ हस्तक्षेप के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ा कि व्यक्ति को के जीवन में, व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य को किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहीं सकारात्मक उदारवाद ये मानता है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य अगर उसके मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य को करना चाहिए। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है। उदारवाद का मूल उद्देश्य तो वही रहा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करना, जो पहले था उसका व्यक्तिवादी विचारधारा में, बस उसका स्वरूप बदल गया, उसको प्राप्त करने का साधन बदल गया। बाकी उदारवाद भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन करता है और व्यक्तिवाद भी करता है। व्यक्तिवाद वास्तव में यही नकारात्मक उदारवाद ही है। नकारात्मक उदारवाद को ही शुरुआत में व्यक्तिवाद कहते थे, बाद में जब इसने सकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक साधना अपनाया तो इसका नाम उदारवाद हो गया। इधर इसको नकारात्मक कहने लगे, इसको सकारात्मक कहने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है फ्रेंड्स जो आर्थिक असमानता की तरफ हमारा ध्यान इंगित करती है, ऊंच और नीच के बीच की खाई की तरफ हमारा ध्यान इंगित करती है। एक तरफ बड़े लोग हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, दूसरी तरफ गरीब जनता है जो कि खाने के लिए मर रही है, तो इस तरफ हमारा ध्यान इंगित करती है और इस असमानता को ख़त्म करना चाहती है और समाज में समानता लाना चाहती है।
तो समाजवाद विचारधारा वो विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण न मान करके समाज का नियंत्रण मानता है। उत्पादन के साधन कौन कौन से चीज होते हैं? जमीन, फैक्ट्री, ये उत्पादन के साधन हैं। जहाँ से चीज़ें, कोई भी चीज़ जहाँ से पैदा होती है उत्पादन के साधन है। जमीन से अनाज पैदा होता है, उत्पादन के साधन है। फैक्ट्री, कल कारखाने से कोई सामान पैदा होता है, उत्पादन के साधन है। खदानों से चीज़ें निकलती है, सोना चांदी, कोयला, प्राकृतिक चीज़ें निकलती हैं, वो उत्पादन के साधन हैं। तो इन सब साधनों पर जो है किसी व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, बल्कि किसका नियंत्रण हो? समाज का नियंत्रण हो। यानी ये सब चीज़ें पूरे समाज के नियंत्रण में रहें, किसी एक व्यक्ति के अंडर में ना रहे। और जब समाज के नियंत्रण रहेगा, सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, जो लाभ होगा पूरे समाज में बटेगा। तो इससे जो है ऊंच नीच के बीच की खाई जो है खत्म होगी। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में समानता लाने का पक्षधर है, उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण स्वीकार करता है। और इस विचारधारा का उदय जो है आपको प्राचीन काल से ही देखने को मिलेगा। विभिन्न लोगों ने समाजवाद के विषय में कुछ ना कुछ कहा है, विचारकों ने, चाहे प्लेटो हो या अन्य विचारक। समाजवाद का विचार तो जो है बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक रूप में समाजवाद का उदय जो है वो 18वीं शताब्दी में हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड, समाजवाद का विचार जो है बहुत प्राचीन रहा है। अब विभिन्न विद्वान जो है, विचारक जो है, वो समाजवाद की परिकल्पना जो है अपने दृष्टि से करते हैं, और सबकी अलग अलग है समाजवाद किस तरह से होना चाहिए। अगर समाजवाद की एक परिभाषा कोई बताने के लिए कहा जाए तो ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो मैं बताया हूँ कि समाजवाद जो है उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नहीं समाज का नियंत्रण स्वीकार करता है, इसको सभी मानते हैं। तो समाजवाद की विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए जोड ने कहा समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसको कि अत्यधिक धारण करने के द्वारा, अनेक व्यक्तियों द्वारा पहनने के कारण जो है उसकी आकृति बिगड़ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा का उदय फ्रेंड्स 19वीं सदी के मध्य में हुआ। और मार्क्सवाद को हम अनेक नाम से जानते हैं, इसको हम साम्यवाद भी कहते हैं, इसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। यह वह विचारधारा है फ्रेंड्स जो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानती है, वर्गीय संस्था, और शोषण का एक यंत्र मानती है, शोषण का यंत्र। यानी कि ये मानती है कि राज्य क्या है? राज्य एक वर्गीय संस्था है, यानी एक वर्ग की संस्था है। और इसका जन्म जो है वो निर्धनों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण करने के लिए हुआ है। क्योंकि ये इतिहास का पूरा अध्ययन जो है वो वर्ग संघर्ष के आधार पर करते हैं। इन्होंने इतिहास की जो समस्याएं हैं, मानव जीवन की समस्याएं हैं, उसको जो है मार्क्सवादी जो है वो इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और इतिहास को क्या मानते हैं? वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति मानते हैं। यानी इतिहास क्या है? वह विभिन्न वर्गों के संघर्ष का परिणाम है। और वो वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये बताते हैं कि समाज में जो है प्राचीन काल से ही समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा रहा है। एक वर्ग वो है जो धनी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, इसको चाहे जिस नाम से आप जानिए। और दूसरा वर्ग है जो कि गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, गरीब वर्ग। यानी ये मानते हैं कि समाज जो है हमेशा से दो वर्गों में बटा है, एक पूंजीपति वर्ग, एक दूसरा गरीब वर्ग, एक धनी वर्ग, दूसरा निर्धन वर्ग। उत्पादन के जितने साधन हैं सब पर जो है वो धनी वर्ग का अधिकार है। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है? धनी वर्ग का। और गरीब वर्ग जो है इससे वंचित है। इसके कारण इन दोनों वर्गों में संघर्ष होता है, और संघर्ष के कारण जो है इतिहास की प्रगति होती रहती है। और कहा कि इस संघर्ष में, जब दोनों वर्गों में संघर्ष शुरू हुआ, तो धनी वर्ग ने क्या किया कि धनी वर्ग ने अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या कम थी समाज में, आज भी धनवानों की संख्या कम ही होगी, गरीब ज़्यादा हैं, तो इनकी संख्या उस समय भी कम थी, गरीबों की संख्या ज़्यादा थी। इसलिए इनको डर था कि कहीं गरीब वर्ग जो है एकजुट ना हो जाए और हमारे धन को छीन न ले। इसलिए इन्होंने अपनी धन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का जन्म दिया, और राज्य के द्वारा जो है अपनी जो इनके कार्य थे उसको सही ठहराया, और इसके माध्यम से, इस राज्य के माध्यम से गरीबों का शोषण करने लगा। तो मार्क्सवाद का जन्म जो है, मार्क्सवाद या वैज्ञानिक जो समाजवाद है, इसका जन्मदाता जो है वो कार्ल मार्क्स माना जाता है।
कार्ल मार्क्स। तो ये विचारधारा है जो राज्य को एक वर्गीय संस्था मानती है, एक वर्ग की संस्था मानती है। किस वर्ग की संस्था मानती है? पूंजीपति की संस्था मानती है कि इसका निर्माण पूंजीपतियों ने किया, अपने हितों की रक्षा के लिए किया, इसका निर्माण गरीबों के शोषण के लिए किया गया। तो यह विचारधारा जो है वो मार्क्सवाद की विचारधारा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है फ्रेंड्स जिसका उदय हमें प्लेटो अरस्तु के विचारों में दिखाई देता है और आधुनिक युग में जो है हीगेल बोसांके कांट और ग्रीन के विचारों पर इसका समाप्त होता है। यह ऐसी विचारधारा है जो राज्य को साधे बांधती है, जो कहती है कि राज्य एक साध है और व्यक्ति तो उसकी हितों की पूर्ति का एक साधन है केवल। यानी व्यक्ति को साधन मानती है, राज्य को साध्य मानती है। यानी ये व्यक्ति को नहीं बल्कि राज्य को इम्पोर्टेंट मानती है। ये कहती है कि राज्य क्या है? तो ये कहती है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक और आत्मनिर्भर संस्था है। यानी ये दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है बल्कि ये स्वयं अपना विकास कर सकती है। इसका किसी व्यक्ति ने इसको नहीं बनाया बल्कि ये स्वयं पहले से ही राज्य विद्यमान था, प्रकृति ने ही इसका निर्माण कर दिया। तो राज्य को एक प्राकृतिक और आत्मनिर्भर संस्था मानते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है वो राज्य में ही संभव है, राज्य के बाहर जो है व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। राज्य के बाहर उसने कहा कि समाज के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो ईश्वर होगा या तो देवता होगा, सॉरी या तो ईश्वर होगा या तो पशु होगा। अगर व्यक्ति है तो यही रहेगा क्योंकि उसका विकास जो है वो राज्य में ही संभव है। राज्य से अलग होकर के व्यक्ति शून्य हो जाएगा, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये राज्य को एक सावयव की तरह मानते हैं कि राज्य एक शरीर है, व्यक्ति जो है उसका अंग है। जिस तरह अंगों से शरीर से अलग होने पर अंगों का कोई महत्व नहीं रहता, उसी तरह से समाज से अलग होने पर या राज्य से अलग होने पर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यह आदर्शवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो राज्य को साध्य मानती है, राज्य को इम्पोर्टेंट मानती है, राज्य को एक प्राकृतिक और आत्मनिर्भर संस्था मानते हुए यह कहती है कि व्यक्ति का नैतिक विकास राज्य में ही संभव है, राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है उपयोगितावाद। इस विचारधारा का उदय 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 19वीं सदी में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कह सकते हो या उपयोगितावाद का प्रवर्तक कह सकते हो। जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादित कर इसको लोकप्रिय बनाया, इसलिए उपयोगितावाद का प्रवर्तक बेंथम को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद जो है वो मैंने कहा कि इंग्लैंड की विचारधारा है और इसका यह मानता है कि व्यक्ति का जो चरम उद्देश्य है वो सुख की प्राप्ति है। यानी हर व्यक्ति जो है वो सुख प्राप्त करना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है, उसका अंतिम लक्ष्य जो है सुख की प्राप्ति करना है। तो जो नियम, जो कानून, जो चीज़ें व्यक्ति को सुख प्रदान करती हैं वो अच्छी होती हैं और जो चीज़ें उसको दुख प्रदान करती हैं वो बुरी होती हैं। यही उपयोगितावाद का सार है कि व्यक्ति जो है वो एक इंद्रियजन्य प्राणी है। इंद्रियजन्य का मतलब है कि वह जो है हमेशा सुख की खोज में रहता है। जो चीज़ें उसको सुख प्रदान करती हैं, जो नियम कानून उसको सुख प्रदान करते हैं वो अच्छे हैं, जो उसको दुख प्रदान करते हैं वो बुरे हैं। सुख ही एकमात्र मापदंड है उपयोगिता का। यानी समस्त चीज़ों को वो, चाहे राज्य के कार्य हो, चाहे कानून हो, उसको वो किस कसौटी पर कसते हैं? उपयोगिता की कसौटी पर कसते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, यह व्यक्ति को सुख प्रदान करेगी कि दुख। अगर वो नियम कानून या चीज़ जो है व्यक्ति को सुख प्रदान कर रही है तो इसका मतलब वो अच्छा है, और अगर दुख प्रदान कर रही है तो वो गलत है। तो उपयोगितावाद क्या है, यानी उसकी उपयोगिता क्या है व्यक्ति के लिए, यही है उपयोगितावाद। सब चीज़ों को, ये राज्य के समस्त कार्यों को, राज्य के समस्त कानूनों को इसी उपयोगिता की कसौटी पर कसते हैं कि वास्तव में ये हमको सुख प्रदान करेगी कि दुख। अगर सुख प्रदान कर रही है तो अच्छा है और दुख प्रदान कर रही है तो बुरा है, यही है उपयोगितावाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अराजकतावाद को। अराजकतावाद वह विचारधारा है जो समाज की सारी बुराइयों की जड़ किसको मानता है? राज्य को मानता है कि राज्य ही समाज की सारी बुराइयों की जड़ है। यदि समाज की बुराइयों को समाप्त करना है, खत्म करना है, तो हमको राज्य को समाप्त करना होगा। राज्य को, इसकी सारी शक्तियों को यदि हम खत्म कर देंगे तो समाज की सारी बुराइयां अपने आप नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी बुराइयों को जड़ राज्य को मानता है। राज्य को किसी भी रूप में यह विचारधारा जो है स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। यह जो है जिस समाज की कल्पना करती है वह राज्य विहीन समाज होगा। राज्य विहीन यानी कि ऐसा समाज जिसमें राज्य ना हो, उस समाज की कल्पना अराजकतावादी करते हैं।
राजविहीन समाज की कल्पना करते हैं। इसीलिए इस विचारधारा का नाम ही है अराजकतावादी। अराजकता की स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें राज्य ना हो। जब समाज में राज्य नहीं होगा, किसी प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं होगी, तो वह स्थिति ही, उस स्थिति को हम अराजकता की स्थिति कहते हैं। तो अराजकतावाद इसीलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये राज्य की शक्तियों को, राज्य को पूर्णतः नष्ट करना चाहते हैं और राज्यविहीन समाज की कल्पना करते हैं। ये व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, जैसा कि उदारवादी कहते हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, उसी तरह से ये भी मानते हैं कि व्यक्ति एक अच्छा प्राणी है। राज्य और उसकी संस्थाएं जो है उसकी प्रकृति को विकृत और भ्रष्ट करती हैं, इसलिए राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। उदारवादियों की तरह ये विवेकशील मानते हैं व्यक्ति को, लेकिन उदारवाद से इनकी विचारधारा इसलिए भिन्न है कि उदारवाद या हो या चाहे व्यक्तिवाद हो, ये राज्य को बुराई मानते हुए भी स्वीकार करता है, लेकिन ये जो है अराजकतावादी जो है वो राज्य को किसी भी रूप में स्वीकार करने के तैयार नहीं है। यह राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं, अनावश्यक बुराई, यानी राज्य जो है अनावश्यक भी है, बुराई भी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नारीवाद को। नारीवाद वो उन विचारों का समुच्चय है, या नारीवाद ऐसी विचारधारा है जो समाज में नारियों के शोषण का अंत करना चाहता है। नारीवाद पुरुष समाज के प्रति जो है एक विद्रोह का संक्रांत करता है, उनके नारियों के साथ होने वाले जो अन्याय हैं, उसके साथ जो भेदभाव होता है, उसको जो है ये उठाने का प्रयास करता है और इसको जो है खत्म करना चाहता है। नाम ही है नारीवाद विचारधारा, यानी ऐसी विचारधारा जो नारियों के उत्थान के लिए कार्य करती है, पुरुषों से नारियों किसी मामले में कम नहीं मानती। अब पुरुष समाज में नारियों के साथ हो रहे भेदभाव, उनके अत्याचार को उठाने का प्रयास करती है और इसको समाप्त करना चाहती है। तो यह विचारधारा जो है नारीवाद विचारधारा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद, उपयोगितावाद, अराजकतावाद, नारीवाद, ये क्या है, इनकी सामान्य समझ क्या है, इसको आपने समझ लिया। अब आपको कोई व्यक्तिवाद पूछेगा तो आप बता सकते हैं दो चार लाइन, क्योंकि इसके सार को, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है। अब मैं जब अलग अलग वीडियो इस पर बनाऊंगा तो आपको इसको सिद्धांतों में समझने में बड़ी आसानी होगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।